रैयत विस्थापित अपनी मांग को लेकर 11 अगस्त को कतरास क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय आंदोलन करेंगे। ये बातें विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अमरदीप महतो के अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही। न्यू केशरपुर, झिझी पहाड़ी सहित अन्य गांवों के रैयतों के विस्थापित करने और अवॉजी को आरके ट्रांसपोर्टिंग में 100 नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित को 75% रोजगार देना होगा, जो कंपनियों में विस्थापित का मालिकाना हक मिलना चाहिए, बिजली पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आंदोलन का सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, स्टेट विभाग में काफ़ी गड़बड़ी है। मौके पर विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता कर रहे विस्थापित ग्रामीणों की समस्या को लेकर 11 अगस्त 2023 को डिजिटल एरिया 4 में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग मुख्य मांग है विस्थापित और ग्रामीणों को 75% रोजगार दिया जाए आरके टॉप पर। इसके पहले पत्र भी दिए थे मैनेजमेंट को? हाँ, मैनेजमेंट 21 जुलाई को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे एजीएम साहब को, उनके बाद भी हमारा बातें को इग्नोर किया गया, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 11 अगस्त 2023 को डिजिटल एरिया 4 में दिए जा रहे हैं। नई बातों का हमारा बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा प्रेस वार्ता कि जेएमएम के सत्ता दल के संचालक संचेत फसल प्रसाद माधव जी भी आएंगे और आश्वासित क्षेत्र महामंत्री हजर माधव जी भी उपस्थित रहेंगे। अनिश्चितकाल चक्का जाम रहेगा? अनिश्चितकाल चक्का जाम नहीं कर रहे, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बाद हमारे बातों को नहीं माना गया तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, पूरा एरिया 4 के उत्पादन को ठप कर देंगे।